नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। खबरों में आगे बढ़ेंगे मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। गर्मी शुरू होते ही गहराने लगा जल संकट। जल स्तर नीचे जाने के कारण हैंडपंप नहीं उगल रहे पानी। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने से नाराज कांग्रेसियों ने जगह जगह किया आंदोलन। इधर भाजयुमों ने भी किया प्रदर्शन। ट्रांसपोर्ट नगर से चोरी हुई माजदा 24 घंटे के भीतर मिली। पाराघाट टोल प्लाजा से आरोपी को किया गया गिरफ्तार। और सोलर पैनल से होंगे ई रिक्शा चार्ज। भक्त कंवर राम गेट के पास की जा रही व्यवस्था। ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। गर्मी शुरू हो चुकी है और अब जगह जगह से पानी की समस्या सामने आने लगी है। जल स्तर नीचे जाने की वजह से कई हैंडपंप या तो पानी नहीं उगल रहे हैं या फिर खराब हो गए हैं। नगर निगम के कर्मचारी समय सीमा में इस तरह की समस्याओं का समाधान भी नहीं कर रहे हैं। भले ही अभी झुलसाने वाली गर्मी शुरू नहीं हुई है मगर इस मौसम में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पानी लोगों की समस्या बढ़ाने लगी है। पानी का लेवल नीचे जाने के कारण कई हैंडपंप सूखने लगे हैं। इस तरह की समस्या सबसे ज्यादा शहर में जो नए गांव जोड़े गए हैं वहां से आने लगी है। इसी तरह का मामला बहतराई वार्ड नंबर 49 में भी देखने को मिला है। बीआर यादव वार्ड के निवासी पानी के लिए परेशान होने लगे हैं। यहां के हैंडपंप खराब होने लगे हैं जिसके कारण टैंकर से पानी की सप्लाई की जा रही है। लगातार इस तरह की समस्या आ रही है जिसकी शिकायत निगम से की गई है मगर समय रहते हैंडपंप बनाने के लिए कर्मचारी नहीं पहुंचते हैं जिससे लोग परेशान हैं। अभी बोर और हैंडपंप तो लगभग सूखने की कगार में है। रोज आए दिन में ये कोई ना कोई मोटर खराब होते रहता है और निगम द्वारा आज सूचना देने के बाद एक दो दिन बाद उसको मनाया जाता है। इसमें थोड़ा सा दिक्कत तो होता है पब्लिक को। अभी निगम के पास उतना पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। शामिल तो कर दिया गया है इसको नगर निगम में, अभी मेरे ख्याल से इसको शामिल नहीं करना चाहिए था। टैंकर तो कंटिन्यू मंगाना पड़ता है टैंकर, अब एक दो ट्रिप ला कर दे जाते हैं, बाकी तो पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। राकेश वर्मा ने बताया कि निगम से उन्होंने पानी के लिए 18 लाख रुपए की मांग की है। बिजौर और दहान पारा में स्थल भी चयन किया जा चुका है मगर अब तक ना पैसा मिला है और ना ही हैंडपंप खोदे गए हैं। वाटर लेवल बहुत डाउन हो चुका है, जितने भी हैंडपंप थे पुराने वो सूख चुके हैं। अपन 18 लाख के करीब मांग किए है अधोसंरचना मद से और आने वाले भविष्य में 2-4 बोर का प्रपोजल अभी बोले हैं। मेयर सर से मिले थे तो कि बोर होगा। अभी बिजौर दहान पारा में वो कल ही जगह चिन्हांकित करके गए हुए हैं। पानी के समस्या के लिए मैं शासन प्रशासन से चाहूँगा कि जल्द निराकरण करें जिसमें वार्ड वासियों को असुविधा का सामना करना न पड़े। पार्षद ने पीड़ा बताते हुए कहा कि क्षेत्र को भले ही नगर निगम में शामिल कर लिया गया है मगर जो सुविधाएं निगम की यहां मिलनी चाहिए वे नहीं मिल पा रही हैं, जिससे वार्ड में समस्या हो रही है। उन्होंने महापौर से इस दिशा में जल्द से जल्द ध्यान देने की मांग की है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ इरशाद अली की रिपोर्ट। गर्मी शुरू होते ही पानी से जुड़ी तमाम चीजों की चिंता लोगों को होने लगी है। शहर में बमुश्किल कुछ ही तालाब हैं मगर वह भी देखरेख के अभाव में बर्बाद हो रहे हैं। वार्ड के पार्षद महापौर से तालाबों के जीर्णोद्धार की मांग कर रहे हैं। जलकुंभी से अटा पड़ा यह तालाब वार्ड नंबर 54 भक्त माता कर्मानगर चिंगराज पारा का है। इस वार्ड में दो तालाब हैं, एक नया तालाब है और दूसरा शिव मंदिर पुराना तालाब है। सबसे ज्यादा खराब स्थिति पुराने तालाब की है जो जलकुंभी से पूरी तरह पटा हुआ है। इसके अलावा इसमें गंदगी और कूड़ा करकट भी जमा होता है। इस तालाब में चारों ओर बेजा कब्जा भी होता जा रहा है। इससे पहले इस तालाब का उपयोग लोग निस्तारी के लिए किया करते थे मगर बीते कुछ वर्षों से तालाब उस लायक नहीं रह गया है। वार्ड पार्षद ने नगर निगम से तालाबों के जीर्णोद्धार की मांग की है। कुछ वर्षों से तालाब की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय है। मोहल्लों के गंदा पानी और जलकुंभी के कारण पानी प्रदूषित हो गया है। अब बिना उपयोग के पानी तालाब ऐसे सूखा पड़ रहा है। यदि इसका जीर्णोद्धार नहीं किया गया, संदूरीकरण नहीं किया जाएगा तो मेरे को लगता है आने वाले 1 साल के अंदर पूरी तरह तालाब पड़ सकता है, सूख भी सकता है और लोगों के द्वारा कब्जा भी किया जा सकता है।
मैं तो निगम में इस बात को लेकर पिछले सामान्य सब हम भी प्रस्ताव की रखा था कि इस तालाब का सौंदर्यीकरण किया जाए करके, और अभी वर्तमान में फिर से मैंने महापौर जी को प्रस्ताव भेजा हूँ। निगम क्षेत्र में इस तरह के बदहाल तालाबों का अगर जीर्णोद्धार हो जाए तो गर्मी के मौसम में लोगों के लिए यह तालाब काफी उपयोगी साबित हो सकते हैं। निगम प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ ईर्षा आदली की रिपोर्ट। चैत्र नवरात्र के चौथे दिन शनिवार को माता कुष्मांडा के स्वरूप का दर्शन करने शहर के विभिन्न देवी मंदिरों में भक्तों की सुबह से ही कतार लगी रही। तिफरा के सिद्ध शक्तिपीठ मां काली मंदिर दरबार में श्रद्धालुओं ने माता रानी से शक्ति, भक्ति, शांति, खुशहाली और समृद्धि बनाए रखने की कामना की। मंदिर में सुबह से ही दर्शन के लिए लंबी लाइनें लगी रहीं। यह सिद्धपीठ भक्तों की आस्था का केंद्र है। यहां शहर से ही नहीं बल्कि दूर दराज से भी भक्त माथा टेकने आते हैं। कहा जाता है कि सच्चे मन से मांगी गई मुराद काली माँ के मंदिर में जरूर पूरी होती है। यहाँ 2873 आस्था के दीप से माता के भवन जगमगा रहे हैं। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म किए जाने के कारण देश भर में बवाल मचा हुआ है। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस नेता केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। बिलासपुर में भी जगह जगह प्रदर्शन और पुतले जलाए जा रहे हैं। राहुल गांधी की संसद से सदस्यता समाप्त करने को लेकर कांग्रेसियों में जमकर गुस्सा है। प्रदेश में अलग अलग जगहों पर कांग्रेस के नेता केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। बिलासपुर के दर्रीघाट में भी रायपुर रायगढ़ राज्य मार्ग में शनिवार को युवक कांग्रेस के नेताओं ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार का पुतला भी फूंका। राहुल जी अगर किसानों की, युवाओं की, महिलाओं की आवाज संसद में उठा रहे थे तो मोदी जी को सुनने की जगह उन्होंने उनकी आवाज को दबाने का काम किया है। अडानी पे बात क्यों नहीं करते, इस देश को बेचने का काम कर रहे हो, और जो नेता इस देश की आवाज को उठाने का काम कर रहे हो उसकी आवाज को दबाने का काम कर रहे हो। आप सदन पे हमको रोकने का प्रयास कर रहे हो, अब इस देश का युवा सड़कों पर आंदोलन करेगा और आपकी बात को पूरे देश के सड़कों से सदन तक लेकर जाएंगे। यह हम पूरे यूथ कांग्रेस और पूरे देश के युवाओं का संकल्प। कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि अडानी मुद्दे पर लगातार राहुल गांधी संसद में आवाज उठा रहे थे, इसलिए कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई ताकि भाजपा सरकार का विरोध न किया जा सके। सदस्यता को समाप्त किए जाने से कांग्रेस के नेता काफी आक्रोशित हैं। उन्होंने कहा कि वह इस मामले को लेकर सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। लोकसभा में राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त होने के बाद मचे सियासी बवाल से देश की राजनीति गर्मा गई है। राजधानी में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुए विवाद के बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को प्रदेशव्यापी आंदोलन कर मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता समाप्त होने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासा रोष है। राजधानी में भाजपा कार्यालय के सामने प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हुए झड़प के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा शनिवार को प्रदेशव्यापी आंदोलन किया गया। पुराने बस स्टैंड में पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल के नेतृत्व में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जुटे और राजधानी में हुए घटना की निंदा करते हुए मुख्यमंत्री का पुतला जलाना चाहा, लेकिन पुलिस ने पहले से ही पुतले पर पानी डालकर हटा दिया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की हुई। जो इनके नेता हैं, जिनके नेतृत्व में ये काम करते हैं, पूरी देश की जनता देख रही है कि उनकी अपरिपक्वता के कारण 2 साल की सजा न्यायालय ने दी है। जब नेता ही अपरिपक्व है, नेता ही आज ना समझ है, तो उनके नेतृत्व में काम करने वाले ही ना समझ हैं, अपरिपक्व हैं, और इस प्रकार से कानून व्यवस्था, जो स्वयं कानून व्यवस्था के संरक्षक हैं, तो इसलिए आज वही युवा मोर्चा ने उनका पुतला दहन किया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था देख पुलिस को चकमा देने मुख्यमंत्री के 2 पुतले बनाए थे। पहला पुतला जलाने में असफल कार्यकर्ताओं ने दूसरा पुतला जला दिया। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। गरीबी की वजह से कोई भी प्रतिभाशाली युवक या युवती सरकारी नौकरी से वंचित न होने पाए, इसलिए कॉम्पिटिशन कमेटी ने
ऐसे प्रतिभागियों को मात्र 500 रुपए महीने में SSC, बैंकिंग, रेलवे और व्यापम की तैयारी कराने का निर्णय लिया है। 3 अप्रैल से राज्य के 4 जिलों में इसकी ब्रांच शुरू होने जा रही है। युवाओं में इसका लाभ लेने की अपील की गई है। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में कोचिंग की फीस आड़े ना आ पाए, इसके लिए कंपटीशन कम्युनिटी ने उदार दिल दिखाया है। आगामी 3 अप्रैल से बिलासपुर, रायपुर, राजनांदगांव और दुर्ग में नया बैच शुरू होने जा रहा है, जिसमें मात्र 500 रुपए महीने में ही युवाओं को SSC, बैंकिंग, रेलवे और व्यापम के लिए तैयारी कराई जाएगी। कंपटीशन कम्युनिटी जो 2017 से छत्तीसगढ़ का एक विश्वसनीय संस्थान बना हुआ है और हमेशा छात्र हित को सर्वोपरि मानते हुए अलग अलग योजनाएं, अलग अलग स्कीम्स जो बीच में हम लोग बच्चों के लिए शुरू करते हैं, उसी एक पहल के रूप में हमने इस बार भी आर्थिक रूप से जो कमज़ोर छात्र हैं उन छात्रों का हित ध्यान में रखते हुए 3 अप्रैल से मात्र 500 रुपये के न्यूनतम महीने की फीस में हम SSC, बैंकिंग, रेलवे, व्यापम के नए बैचेस शुरू कर रहे हैं। कॉम्पिटिशन कमेटी अभी बैंक, SSC और रेलवे के क्षेत्र में भी आ चुका है, जहां पर बहुत सारे हमारे साथी इन क्षेत्रों में भी अपने सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करने की ओर अग्रसर है। तो आप भी अगर चाहते हैं तो कॉम्पिटिशन कमेटी की ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलने वाली ये सारी की सारी सुविधाएं। एक नए कॉन्सेप्ट और अच्छी सोच के साथ युवाओं के भविष्य को गढ़ने के लिए कंपटीशन कम्युनिटी ने अपना नया प्लान जारी किया है। यहाँ मौजूद दक्ष शिक्षकों ने इच्छुक युवक युवतियों से 4 जिलों में आवश्यकता के अनुसार कोचिंग लेने और सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा देने तैयार होने की अपील की है। हम लोग जो है सो SSC के रिगार्डिंग में बात करेंगे। SSC रिगार्डिंग जो है किसी का सपना है गवर्नमेंट जॉब पाना, अगर इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है, अगर आपको एक्साइज इंस्पेक्टर बननी है, अगर आपको SSC 12th के बाद ही करनी है तभी गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं SSC CHSL के थ्रू। अगर कुछ बच्चे इसका फाइनेंशियल थोड़ा सा क्राइसिस होती है, अगर वो 10th के बाद भी चाहे तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकता है, जैसे SSC GD हो गया, MTS हो गया, अगर फेज 11 की बात करें तो इन सारी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कुछ 10th के बाद होती है, कुछ 12th के बाद, कुछ ग्रेजुएशन के बाद। तो अब बात इसकी तैयारी हम कैसे करें, तो गाइज कॉम्पिटिशन कमेटी जैसे छत्तीसगढ़ के 4 शहर में बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव में इसकी बैचेज ला रही है 3 अप्रैल से अलग अलग टाइमिंग में। अब बात है कि इसकी तैयारी कैसे किया जाए तो तैयारी फैकल्टी बताएगा, लेकिन फाइनेंशियल इशू बहुत बड़ा होता है। तो हम लोग सिर्फ 500 रुपया पर मंथ में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसकी तैयारी करा रहे हैं। हर स्टूडेंट का सपना होता है गवर्नमेंट जॉब को पाने का। तो सबसे जल्दी जो गवर्नमेंट जॉब अगर आप पाना चाहते हैं तो बैंकिंग ऐसा सेक्टर है जो आपको सबसे जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट जॉब दिला सकता है। आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते करते विद इन 6 मंथ आप बैंक के जॉब को पा सकते हैं। हमारे सेंटर्स पे आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है 3 अप्रैल से हमारे 4 सेंटर के अंदर, बिलासपुर, रायपुर, राजनांदगांव और दुर्ग के अंदर। और 5 मंथ की जो प्रिपरेशन है, इसके 5 मंथ के प्रिपरेशन के बाद ही आप तुरंत गवर्नमेंट जॉब को पा सकते हैं। संस्था का मानना है कि तैयारी के लिए अब युवक युवतियों को आर्थिक तंगी कमी बनकर सामने नहीं आएगी। उन्होंने बताया कि 10वीं के बाद भी सरकारी नौकरी पाई जा सकती है, बड़ी नौकरी के लिए 12वीं और ग्रेजुएशन की आवश्यकता होती है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ इरशाद अली, लोकसभा TV, बिलासपुर। थोक फल और सब्जी मंडी जाने वाली सड़क लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। सड़क खराब होने के कारण यहां कारोबारी और व्यापारियों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। महज 2 किलोमीटर की सड़क इतनी बदतर है कि यहां 4 पहिया वाहनों को लेकर आने में लोगों की कमर ढीली हो जाती है। आए दिन इस मार्ग पर वाहन पंक्चर हो रहे हैं, मगर इस ओर निगम प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। ट्रांसपोर्ट नगर परसदा से वाहन चोरी कर भाग रहे चोर को चकरभाटा पुलिस ने 24 घंटे के भीतर धर दबोचा। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ चोरी की धारा के तहत कार्रवाई की गई है। 2-व्हीलर हो या फिर 4-व्हीलर, चोर बेधड़क चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। चकरभाटा थाना क्षेत्र अंतर्गत ट्रांसपोर्ट नगर में न्यू प्रकाश मेटाडोर ट्रांसपोर्ट का चालक रोजाना की तरह ट्रांसपोर्ट नगर पहुंचा और वहां वाहन खड़े कर चाय पीने चला गया। वापस जब लौटा तो देखा कि स्वराज माजदा वाहन गायब है। आसपास ढूंढने के बाद जब वाहन नहीं मिला
तो चालक ने इसकी जानकारी वाहन मालिक को दी। वाहन मालिक सुमित श्रीवास ने इसकी शिकायत पुलिस से की। चकरभाटा पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और जांच शुरू की। कुछ ही घंटों में वाहन का सुराग मिल गया। थाना प्रभारी भारती मरकाम ने टीम गठित कर पाराघाट टोल प्लाजा के पास वाहन सहित आरोपी को धर दबोचा। पकड़ा गया आरोपी रवि सारथी भाटापारा जांजगीर जिले का रहने वाला है। सूरी थाना अंतर्गत टोल प्लाजा के पास में ये मिली हुई और इसमें जानकारी पुलिस वालों को सभी को वायरलेस के माध्यम से दिया गया था, जो कि वायरलेस के माध्यम से जानकारी मिलने पर हमारे यहाँ मस्तूरी टोल प्लाजा के पास में उक्त गाड़ी पकड़ाई है। आरोपी रवि सारथी से पिता शंकरलाल सारथी भाटापारा केरा रोड ग्राम का निवासी है, जो जांजगीर जिला से संबंधित है, के द्वारा वो उक्त स्वराज माता जब्त कर ली गई। क्षेत्र में हुई अन्य चोरियों के मामले में भी पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है। बहरहाल पुलिस ने आरोपी रवि सारथी के खिलाफ धारा 379 के तहत कार्रवाई की है। लोकसभा टीवी के लिए बिरहा से धीरेन्द्र मेहता की रिपोर्ट। तारबार पुलिस ने नशे के अलग अलग दो मामलों में कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित कोडिन युक्त सिरप जब्त किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि जराभाटा निवासी पवन श्रीवास पुराना बस स्टैंड में नशीली सिरप खपाने ग्राहक की तलाश कर रहा है। मुखबिर के बताए हुलिये के आधार पर पुलिस ने आरोपी पवन श्रीवास के पास से 20 नग प्रतिबंधित सिरप और बिक्री रकम 1500 रुपये जब्त किया। वहीं दूसरे मामले में जराभाटा निवासी आकाश खरे को पुलिस ने व्यापार विहार के पास से पकड़ा है। आरोपी थैले में रखकर नशीली सिरप बिक्री करने निकला था। पुलिस ने आरोपी से 25 नग प्रतिबंधित सिरप जब्त किया है। दोनों ही मामलों में पुलिस ने NDPS एक्ट का मामला दर्ज कर कार्रवाई की है। अवैध नशा के विरुद्ध अभियान निजात चलाया जा रहा है, जिसमें ACCU की टीम और तारबहार पुलिस द्वारा मिल करके आकाश खरे और पवन श्रीवास के विरुद्ध NDPS की कार्रवाई की गई है, जिसमें एक व्यक्ति से 25 नग और एक व्यक्ति से 20 नग कोडिन सिरप जब्त किया गया है। निजात अभियान के तहत जिले में नशे के खिलाफ कार्रवाई जारी है। सिरगिट्टी पुलिस ने ओवरब्रिज बिजली ऑफिस के पास नशीली दवाइयां बेच रहे युवक को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ओम नगर निवासी मानस सिंह सूर्यवंशी काफी समय से नशे के कारोबार से जुड़ा हुआ है। पूर्व में भी उसके खिलाफ कई कार्रवाई हो चुकी है। पुलिस ने आरोपी के पास से 40 नग कोडिंग युक्त सिरप जब्त किया है। आरोपी मानस सिंह सूर्यवंशी के खिलाफ सिरगिट्टी पुलिस ने NDPS एक्ट का मामला दर्ज कर कार्रवाई की है। जब्त नशे के सामान की कीमत लगभग 6200 रुपये बताई जा रही है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों रुपये खर्च कर सार्वजनिक शौचालय बनाए गए हैं। पंचायत की अनदेखी के चलते देखरेख और उपयोग के नहीं होने से शौचालय की स्थिति बद से बदतर हो गई है। जनपद बिल्हा के तहत आने वाले ग्राम पंचायत हिर्री का ये सार्वजनिक शौचालय देखकर समझा जा सकता है कि सार्वजनिक शौचालय को बने लगभग 3 साल से भी ज़्यादा हो गए, मगर शौचालय में ताला बंद होने से इसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। बढ़ेंगे अहम खबरों की ओर, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नज़र। गर्मी शुरू होते ही गहराने लगा जल संकट। जल स्तर नीचे जाने के कारण हैंडपंप नहीं उगल रहे पानी। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने से नाराज कांग्रेसियों ने जगह जगह किया आंदोलन। इधर भाजयुमो ने भी किया प्रदर्शन। ट्रांसपोर्ट नगर से चोरी हुई माजदा 24 घंटे के भीतर मिली। पाराघाट टोल प्लाजा से आरोपी को किया गया गिरफ्तार। और सोलर पैनल से होंगे ई रिक्शा चार्ज। भक्त कंवर राम गेट के पास की जा रही व्यवस्था। वन विभाग कार्यालय के नजदीक भक्त कंवर राम नगर मुख्य गेट के पास स्थित ई रिक्शा चार्जिंग प्वाइंट भी अब सोलर पैनल के जरिए संचालित होगा। यहाँ कनेक्शन देने का काम किया जा रहा है। सोलर पावर से सड़क की लाइट के अलावा यहाँ ई रिक्शा के लिए बनाया गया चार्जर प्वाइंट भी वाहन चालकों के लिए काम आने लगेगा। पिछले कई दिनों से इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जल्द ही सोलर पावर से ई रिक्शा की चार्जिंग शुरू कर दी जाएगी। शहर लगातार विकास की ओर अग्रसर है। नई नई तकनीक का लाभ यहाँ के लोग उठा रहे हैं। बिजली के बढ़ते दाम और बिजली बचत की दिशा में सोलर पैनल एक बेहतर विकल्प है, जिसे कई लोग अपना रहे हैं। सरकार भी इस दिशा में लोगों को जागरूक कर रही है। शहर के कंपनी गार्डन, कोनेर गार्डन और स्मृति वन ऊर्जा पार्क में सोलर पैनल के माध्यम से प्रकाश व्यवस्था की गई है। इसके अलावा शहर के अन्य गार्डन भी सोलर पैनल के जरिए रोशन होने जा रहे हैं, जिसकी कवायद चल रही है।
दिव्यांगों सहित बुजुर्गों को समाज कल्याण विभाग की ओर से शनिवार को अनुभव भवन बृहस्पति बाजार में उपकरणों का वितरण किया गया। ज्येष्ठ नागरिक संघ के संयुक्त तत्वाधान में हुए इस कार्यक्रम में लगभग 100 से अधिक जरूरतमंद लोगों को व्हीलचेयर, ट्राइसिकल, ईयरबड सहित सामान दिए गए। इस विषय में जानकारी देते हुए समाज कल्याण विभाग की ज्वाइंट डायरेक्टर श्रद्धा सिंह मैथ्यू ने बताया कि आवेदनों की स्क्रूटनी के बाद उपकरणों को हितग्राहियों को दिया जा रहा है। वहीं ज्येष्ठ नागरिक संघ के पदाधिकारी नथमल शर्मा ने समाज कल्याण के कार्यों की सराहना की। ज्येष्ठ नागरिकों को मूल्यांकन के पश्चात जो वितरण कार्यक्रम था उसी के तहत हम लोग आज हियरिंग एड, छड़ी और वॉकर, व्हीलचेयर इत्यादि सामग्री जो उनकी आवश्यकता के अनुसार प्रदान कर रहे हैं। और ये हमारा कार्यक्रम जनपद स्तर पे भी हो रहा है, लगातार 15 दिनों से ये कार्यक्रम हो रहा है, तो इसमें अधिक से अधिक लाभान्वित हो रहे हैं और हम अथक प्रयास कर रहे हैं समाज कल्याण विभाग की तरफ से कि इनको अधिक से अधिक अपनी सेवा दे सकें। इस विभाग का काम है, निरंतर ये विभाग करता है, तो मुझे कहना यही है कि सरकार इस तरह से जब जनता के पास जाती है तो मुझे लगता है कि ये लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करती है। हाईटेक बस स्टैंड, नाम बड़े और दर्शन छोटे, इस कहावत को चरितार्थ करती न्यू हाईटेक बस स्टैंड अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। यात्री सुविधाओं की कमी, अव्यवस्था और बद इंतजामी ये हाईटेक बस स्टैंड की पहचान बन गई है। जगह जगह गंदगी, जल जमाव और बदबू मारती परिसर आने वाले मुसाफिरों के लिए मुसीबत बन गई है। CSIDC से नगर निगम को हैंडओवर होने के बाद भी यहाँ के हालात अब तक नहीं सुधरे हैं। निगम भी हाईटेक बस स्टैंड के बिगड़ी सूरत को संवारने में जरा भी दिलचस्पी नहीं ले रहा है। मुख और गले के कैंसर मरीजों में इस वर्ष इजाफा हुआ है। इसके अलावा स्तन और अन्य कैंसर के मरीज भी लगातार सामने आ रहे हैं। सिम्स कैंसर विभाग के HOD डॉक्टर चंद्रहास ध्रुव के मुताबिक वर्ष 2022 में 70% मरीज मुख और गले के कैंसर से पीड़ित हैं। इन सभी मरीजों का निःशुल्क इलाज आयुष्मान कार्ड से किया जा रहा है। 2022 में सिम्स कैंसर हॉस्पिटल या फिर हमारे OPD में सबसे ज़्यादा मरीज जो हैं वो मुख और गले के कैंसर के आए हैं। टोटल हमारे पास जो संख्या है उसमें से 70% मरीज जो हैं वो मुंह और गले के कैंसर से आ रहे हैं। उसके बाद स्तन कैंसर के मरीज हैं, उसके बाद बच्चेदानी के मुंह का कैंसर जिसको हम लोग सर्वाइकल कैंसर कहते हैं वो है, और फिर ब्लड कैंसर भी हमारे पास आ रहे हैं, बोन ट्यूमर्स भी हमारे पास आ रहे हैं, और एब्डोमिनल ट्यूमर्स भी जिसे हम लोग पेट का कैंसर कहते हैं, और गुदा द्वार का कैंसर जो है उसके भी मरीज धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। आयुष्मान योजना के तहत मरीजों को मिलने वाली सुविधा में सिम्स मेडिकल कॉलेज बेहतर पोजिशन में है। निःशुल्क एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाने के मामले में सिम्स अस्पताल नंबर 1 पर है। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना एवं आयुष्मान योजना के तहत सिम्स हॉस्पिटल में कुल 10,021 मरीजों का निःशुल्क रेबीज का टीका लगाया गया है। अगर किसी भी मरीज का आयुष्मान कार्ड में नाम अंकित नहीं है तो आधार कार्ड और राशन कार्ड से तुरंत आयुष्मान कार्ड बनाकर सुविधा प्रदान की जाती है। उपचार प्राप्त करने के लिए अलग अलग राज्यों से भी मरीज यहां आकर इंजेक्शन लगवाते हैं। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल गुप्ता के खिलाफ कई बिंदुओं पर स्वास्थ्य विभाग जाँच कर रहा है, लेकिन अब तक स्वास्थ्य विभाग की ओर से कहा जा रहा है कि शिकायतकर्ता ही नहीं मिल रहा है। सवाल ये उठता है कि स्वास्थ्य विभाग को कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए थे जिसमें विभाग को रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन लचर व्यवस्था के चलते 6 महीने बाद भी कोई कार्रवाई सिविल सर्जन के खिलाफ नहीं हो सकी है। इधर CMHO डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव शिकायतकर्ता के नहीं मिलने की बात कह रहे हैं। नहीं, जिस पक्ष ने जाँच के लिए आवेदन किया था उसको हमने 3 बार पोस्टल नोटिस जारी किया है, लेकिन वो एक भी पेशी उपस्थित नहीं हुआ है। यदि वो उपस्थित होकर बयान देगा तभी तो जांच आगे बढ़ेगी। मोहदा पहुंच मार्ग की सड़क जर्जर हो गई है। 9 किलोमीटर की इस सड़क पर आवागमन करना लोगों को भारी महंगा पड़ रहा है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे और धूल से राहगीरों की मुसीबत बढ़ गई है। हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने सड़कों के बिगड़े हालात को लेकर अधिकारियों को निर्देशित करते हुए मरम्मत कार्य करने कहा था, मगर ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों के हालात क्या है यह देखकर समझा जा सकता है। PWD की अनदेखी के चलते इसका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। बहुत जर्जर है भैया, बुटेना धौरा भाठा और महुदा मार्ग, बच्चा मन लाए जाए बहुत परेशानी होते, बहुत ज़्यादा तकलीफ होते, आए दिन लोड गाड़ी चलने के कारण रोड बहुत जर्जर है। सड़क में बहुत ही मतलब गड्ढे भी हो गए हैं
और इसमें ना आने जाने के लिए बहुत दिक्कतें आ रही है। स्कूल वाले बच्चे लोग जा रहे हैं, आने जाने वाले, यहाँ पे तबीयत किसी का ख़राब है वो भी कुछ प्रॉब्लम से जा रहे हैं, वो भी सही से जा नहीं पा रहे हैं। इसी वजह से इसका जल्द से जल्द इसका जल्दी होना चाहिए रोड को। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।